अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है चपली कबाब में कौन कौन सा आटा डाला जाता है और वो कैसा टेस्ट करता है? चलिए आज सुपर टेस्टी चपली कबाब बनाते हैं। मुझे कमेंट आया है आपके इधर बारिश हो रहा है क्या? जी हाँ, अल्लाह के करम से दो बारिश काफ़ी बड़े हुए हैं और छोटी मोटी रिम झिम हर रोज़ एक बार या दो बार हो रही है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और छोटी बच्चियां जो किचन में नई हैं उनके साथ मेरा वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो 18 साल की 22 साल की हैं, जिनके अभी फ़िलहाल छुट्टियां चल रही हैं ना, तो उनके साथ मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करें। चलिए चपली कबाब के लिए एक टमाटर, एक बड़ा सा प्याज, 5-6 हरी मिर्च, आधी शिमला मिर्च, एक मुट्ठी पुदीना सब साफ़ करके धो के ली हूँ। एक्चुअली ये सब्ज़ियाँ हैं ना, एक किलो कौन से भी मटन के साथ जाएगा ये रेसिपी। जैसे मैं आज चिकन की चपली कबाब बना रही हूँ, मटन की, कोई भी रेड मीट की बना सकते हैं, जो आप खाते हैं, जो आपके इधर अवेलेबल है। चलिए इसको इसी तरह से पीसना है, मिक्सी जार में पीसेंगे तो उसका पानी ज़्यादा छूटेगा, पर अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्सी जार ग्रिक ग्रिक चला लेंगे ना, तब भी सब्ज़ियाँ बारीक हो जाएंगी। ये देखिए ये सब्ज़ियाँ हैं ना, मुझे ज़्यादा हो गई थी, मैं इसमें 250 ग्राम चिकन डाली हूँ, 1.5 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, बाद में टेस्ट करके 2-3 चुटकी ऐड भी किया था, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला 1 चुटकी ही डालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेवर वाला है, अगर ज़्यादा डालूँगी तो उसी दालचीनी इलायची का टेस्ट आएगा, उसको भी डाल कर देखिए। उसी में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और थोड़ा घुमाती तो सही होता, पर मैंने क्या किया, जल्दी ओपन किया, फिर मुझे हाथ से सारा मिक्स करना पड़ा। इसमें मैंने ना ही सब्ज़ियों का जूस निकाला है और ऊपर से एक अंडा भी डाल रही हूँ, मतलब आप समझ जाइए कितना रनी कंसिस्टेंसी का हुआ होगा। सब्ज़ियों का जूस निकालने के बाद उसमें क्या रह जाएगा जी, तो इसलिए मैं नहीं निकालती हूँ, पर थोड़ा सा हैंडल करने में है ना तकलीफ़ होती है, पर आप मेरी रेसिपी के साथ जाएंगे ना, आप खुद भी बोलेंगे ये तो तकलीफ़ नहीं हुई और कुछ वेस्ट भी नहीं हुआ, परफेक्ट गया। इसमें कौन सा आटा डाला जाता है मैंने पूछा था ना, चलिए ये देखिए मैं तो गेहूं का आटा डाल रही हूँ। 250 ग्राम चिकन के लिए मैंने सब्ज़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ली हैं, आप थोड़ी कम लेना। उसके बाद देखिए 1/4 कप आटा डाला, मिक्स कर लिया और लगा मुझे 1/4 कप आटा डाल के इसकी कंसिस्टेंसी मैंने ऐसी कर ली है, ये देखिए हाथ में, मतलब ये तो अभी रनी कंसिस्टेंसी का ही है। इस तरह से ठंडे तवे पर मैंने तेल डाला, तेल को हल्का गरम किया और ये देखिए जैसे हमारे इधर बोलते हैं थाली पीट जैसे करते हैं ना, ऐसे देखिए इस तरह से मैंने उंगलियों से फैला दिया है। आप है ना इसे बटर पेपर पर रख कर भी फैला कर इस तरह से सेक सकते हैं। आप तेल की जगह जो फैट होता है ना, चर्बी जिसे बोलते हैं, वो चर्बी डालकर भी सेक सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। घी वगैरह ना डालें, ट्रेडिशनल वाला टेस्ट नहीं आएगा। और बटर पेपर पर इस तरह से लगा के 2-4 अलग अलग से रख के फिर एक साथ सारे आप फ्रोज़न भी कर सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। बहुत दिन तक खाना है तो प्याज ना डालें, अगर प्याज डालेंगे तो एक हफ्ते के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। 5 मिनट इधर से मीडियम फ्लेम पर सेक लिया, तेल को वो साइड किया और उसके बाद इसको इस तरह से मेरे साइड पलट दिया, जिसकी वजह से तेल मेरे साइड उड़ेगा नहीं। अब इसको खुला ही मैंने 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम हाई फ्लेम पर सेका है। इतना सेकने से उतना अच्छा नहीं टेस्ट आया था, थोड़ा जला जला हुआ है, देखिए लास्ट में 1-2 हुए हैं, वैसे उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। चलिए इसमें दूसरा आटा है ना, बेसन का भी डाल सकते हैं, जो नॉर्मल से कोफ्ते वगैरह बनते हैं ना वैसा टेस्ट आएगा।
और ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ जाना है तो इसमें मक्के का आटा डालना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा ज़्यादा आटा डालेंगे और पुदीने की चटनी के साथ, कोई रोटी वगैरह कुछ नहीं, पुदीने की चटनी के साथ प्याज नींबू में डिप करके खाएंगे ना, चटनी में डिप करके प्याज नींबू लगा के खाएंगे तो माशाल्लाह ज़ुबान का जायका बदल जाएगा। और देहाती टेस्ट लाने के लिए मक्के के आटा डालने के बाद जैसा टेस्ट आता है ना, उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें बाजरे का आटा डालने से। आटा ज़्यादा ना डालें, मैंने आधा कप आटा डाला है, आप इतना डालें या फिर इससे कम भी डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब बाजरे का आटा डालेंगे तो देहाती टेस्ट आएगा। क्या ये सारी बातें आपको पता थी? पता थी तो कमेंट बॉक्स में एक यस ज़रूर लिख दें, नहीं पता थी तो क्या लिखते हैं, पता नहीं था बोल के लिख दें। बाहर पहले आके झाँक के देखी कीड़े हैं क्या, नहीं थे तो मैंने आज डिनर बाहर लगाया है। बारिश हो रही है ना हल्की हल्की, तो ठंडी ठंडी बारिश में गरम गरम चपली कबाब खाएंगे। दोपहर के चावल, दोपहर की दाल और दोपहर की ही रोटी है, तो मैंने आज सिर्फ कबाब ही बनाए हैं। यूसुफ का तो हमेशा का है ना पानी वगैरह लेकर बैठता है, वो भी बहुत खुश हुआ अम्मी बाहर खाने का। ये देखिए ये जो जला हुआ कबाब है ना, ये मुझे बहुत टेस्टी लगा जी, बहुत पसंद आया। ये देखिए आपको बता रही हूँ तो उसे लगा मैं उसे खिला रही हूँ, ले लिया हाथ में से। एक्चुअली वो बहुत तारीफ़ कर रहा था, उसे ऐसी सॉफ्ट चीज़ें पसंद है ना जी, कोफ्ता वगैरह बहुत प्यार से खाता है, लेकिन साइड में है ना गाने चल रहे थे, फिर कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए बोलकर है ना मैं सभी का आवाज़ म्यूट कर दी। हम दोनों तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं खा सकते, बड़ी मुश्किल होती है। हमने रोटी के साथ खाया है, अगर जहीन होता था ना तो ये चटनी के साथ डिप करके यही खाता था। जहीन वही बोल रहा, यूसुफ वही बोल रहा है, देखिए मेरे मुंह में जहीन नाम ज़्यादा आता है और उसको बुलाने के टाइम में यूसुफ आता है, वो चिढ़ता है अम्मी उसके साथ रह के खाली उसका ही नाम ले रहे हैं आप, मेरा नाम नहीं ले रहे बोलता है। सॉफ्ट जूसी पुदीने की भरपूर स्मेल, अरे पढ़ते हुए बच्चे की वैसे भी इसे ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। यूसुफ को है ना नींबू वगैरह निचोड़ के प्याज लगा के खा बेटे, पुदीना लगा के खा बोलना पड़ता है। सीधा बैठ, परसों कैसे सोया था? पढ़ाई के बच्चे ऐसा सोता है। देखो बाबा उस दिन पढ़ पढ़ के मैं थक गया, इसलिए मेरे 2 मार्क कम हो गए। हाँ तो फिर तू अभी जरा पढ़ता था तो अभी अच्छे मार्क आते थे नहीं? नींद को जरा कम कर दे बेटे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।